एपिसोड 5। हमें भी वही आदर्श अपने सामने रखना है। समाज से बहिष्कृत जड़ हो चुकी इन औरतों में चेतना जगानी है। शिखा जी, आप सब कुछ कर सकती हैं। आपसे मिलने के पहले मेरी जिंदगी में भी कुछ नहीं था। अपने इर्द गिर्द छाई धुंध को मैं अपनी जिंदगी का सच समझ बैठी थी। धुंध के पार का उजाला मेरी दृष्टि से दूर था, और आज भी तुम वही हो। मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारा परिचय कराया है। योगेश जी के विशेषणों को ही तुम सच समझ बैठी थी, लेकिन शाली, व्यक्ति जब स्वयं प्रयत्न करता है तभी अपने अंधेरों से मुक्त हो पाता है। दूसरे उसे सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन हिम्मत उसे स्वयं जुटानी पड़ती है। मध्यम वर्गीय परिवारों में कई बार अहंकारी पुरुष अपनी पत्नी के व्यक्तित्व को गौना बनाने में ही अपना पुरुषार्थ समझते हैं। तुम ही सोचो, समाज का आधा हिस्सा ही यदि चेतना शून्य होगा तो उसके ऊंचा उठने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। शिखा जी की बातों में जीवन की सच्चाई थी। 2 महीने बाद योगेश घर लौटे तो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। कहां गए वे लाचारी के भाव। उनके सामने तो एक तेजस्वी नारी खड़ी थी, सलीकेदार पहनावा और चेहरे पर गर्वीली मुस्कुराहट। ये तो उसकी पत्नी नहीं है। अब जल्दी से नहा धो ले, खाना तैयार है, 1 बजे मुझे किसी काम से बाहर जाना है। शालिनी की इस अदा पर योगेश स्तब्ध होकर उसे देखते ही रह गए। उससे कुछ पूछने का भी साहस उनसे न हुआ। पागल, बेवकूफ, साहिल, मूर्ख आदि उनकी जीभ पर आने के लिए मचलने वाले शब्द आज पता नहीं कहां चले गए थे। योगेश को वो खोजने पर भी नहीं मिल पा रहे थे।